फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वाटरमेलन की ड्राइंग बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम शीट पे सर्कल शेप बनाएंगे। मैंने सर्कल शेप डायरेक्ट बनाऊंगी, आप चाहें तो इसके लिए इस तरह का कोई सर्कल शेप यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरह से सर्कल शेप यूज करके इसको मैं थोड़ा सा आगे अपने हिसाब से बढ़ा दूंगी। हमें पूरा सर्कल शेप नहीं बनाना है, हमें कुछ पोर्शन छोड़ देना है, क्योंकि हम एक फुल वाटरमेलन के साथ एक वाटरमेलन का पीस भी बनाएंगे। अब ये हमने एक सर्कल शेप फुल वाटरमेलन के लिए बना दिया है। अब मैं यहाँ पे एक वाटरमेलन का पीस बनाऊंगी। उसके लिए हम एक स्लांट लाइन बनाएंगे, तरह से वाटरमेलन का पीस कट होता है उस तरह से एक हम पीस बनाएंगे। इसके लिए यहाँ इधर भी एक स्लांट लाइन, अब इस वाली लाइन से जुड़ती हुई एक और स्लांट लाइन, लाइक दिस। अब नीचे से जो गोल पोर्शन है वो बनाएंगे हम, वो इन लाइंस को जोड़ेंगे, हम सेमी सर्कल शेप बनाएंगे। जो कटने के बाद हमको जो येलो लाइट येलो क्रीम कलर का पोर्शन दिखता है, ये वो वाला पोर्शन है। अब इसमें वाटरमेलन के ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स बना देंगे। अब हम ऊपर का जो फुल वाटरमेलन है उसके बाहर का बनाएंगे पोर्शन। आपने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन में हमेशा कुछ लाइंस होती है, मैं भी वो सारी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। उसमें इस तरह की जिगजैग लाइन होती है, आपको भी इस तरह से जिगजैग लाइन बनानी है। कुछ वाटरमेलन प्योर ग्रीन कलर के भी होते हैं, पर हम इस तरह का वाटरमेलन बनाएंगे तो इससे हमारी ड्राइंग बहुत ही अच्छी दिखेगी। अब हम जो ये लाइंस बनाई है, अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम वाटरमेलन के आउटर पार्ट में कलर करेंगे। उसके लिए मैं डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन दो कलर यूज करूंगी। डार्क ग्रीन हम वाटरमेलन की जो ये जिगजैग वाली लाइंस है उसके अंदर करेंगे, और इस तरफ हम लाइट ग्रीन करेंगे। यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन करती हूँ और इधर मैं डार्क ग्रीन जिगजैग वाली लाइन में करना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से इन जिगजैग लाइंस में मैंने डार्क ग्रीन कलर कर दिया है। अब जो ये वाटरमेलन का नीचे का पोर्शन है इसमें येलो रहता है, पर उसके बाहर हमें हल्की सी एक ग्रीन लाइन दिखती है, तो वो एक लाइन में बना देती हूँ। वो बहुत बारीक सी होती है के लिए, ज्यादा नहीं दिखती वो हमें, हल्की सी दिखती है, लाइक दिस। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसमें मैं येलो कलर कर दूंगी। अब जो ये वाटरमेलन का खाली वाला पोर्शन है इसमें मैं लाइट ग्रीन स्टार्ट कर रही हूँ। कलर हमेशा आपको एक ही डायरेक्शन में करना है। इस तरह से मैंने यहाँ लाइट ग्रीन कलर कर दिया है। अब जो वाटरमेलन का ये वाला पोर्शन है, ये आप तो जानते ही हैं रेड कलर का होता है, तो इसको हम करेंगे रेड कलर का। इस तरह से वाटरमेलन के इस
पोर्शन पे मैंने रेड कलर कर दिया है और ये हमारा वाटरमेलन और उसका एक कटा हुआ पीस है।